8 किलो बकरा कटवा करके 1000 जनता को बुला करके वहाँ पर मारपीट करा दी। उनका ड्राइवर ने मांगा बोटी, उसमें जूस था। जब उनको ड्राइवर को नहीं बोटी मिला, उन्होंने लपट्टा चला दिया। अच्छा। इसी में हंगामा हो गया, जो जिसको पाया तिसको मारा पीटा। इससे डॉक्टर ज्योति बिंद को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। कहते हैं कि मझमा की हवा जो है बदल चुकी है, इस चुनाव का रुख बदल चुका है। तो गई क्या नाम है थोड़ा बता दीजिए? राम प्रसाद उर्फ मल्लू। मल्लू? राम प्रसाद उर्फ मल्लू। अच्छा, बिंद समाज से? बिंद समाज से है। अच्छा हाँ। तो इस बार ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है जी। तो आप उनको वोट कर रहे हैं? हाँ। इससे पहले तो विनोद बिंद को वोट किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। हाँ। मगर हमारी भूल थी कि उतने दूर से आकर के यहाँ पर बिंद के बदनाम करके, बिंद के नाम पर वोट ले करके यहाँ से एकदम गला काट लिए। अच्छा। एक कोई काम शक्ल तक नहीं दिखाए आए हैं यहाँ पर विनोद बिंद। अच्छा। अरे वही कुछ दिन पहले वहाँ जो है ना कि बोटी वोटी बांटत रहना है कार्यालय पे? बोटी नहीं, अभी हम कभी ताजी खबर मिला है कि कछुआ में 8 किलो बकरा कटवा करके 1000 जनता को बुला करके वहाँ पर मारपीट करा दी। मारपीट वो करा दी? हाँ। उनका ड्राइवर ने मांगा बोटी, उसमें जूस था। जब उनको ड्राइवर को नहीं बोटी मिला, उन्होंने लपट्टा चला दिया। अच्छा। इसी में हंगामा हो गया, जो जिसको पाया तिसको मारा पीटा। यही हंगामा कछुआ में हुआ। अच्छा। जी, रोटी की जगह पर जूस मिल रहा है, यही धोखाबाजी है। धोखाबाजी है। 8 किलो बकरा में बताइए 1000 आदमी खा सकते हैं? खा सकेंगे बताइए? नहीं खाएंगे। एक पाव एक आदमी के खाने के लिए आहार होता है। इसीलिए ज्योति बिंद ने ललकारा है, मझवा क्षेत्र को संभाला है। अच्छा। हाँ जी। तो ये बतावा कि अभी तक तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतल ना रहा, तब ज्योति बिंद के टिकट मिल गल तक आज जीत जाइए का? यहाँ से पूरा उम्मीद है, पूरा जनता उनके साथ है। हाँ, जनता साथ है। जनता साथ है। समाजवादी झंडा लहरा? बिल्कुल लहरा है। हाँ जी। अब अहिले तक कमल का फूल लहरावत रहा? कमल के फूल लहर तो गया तो लहर गया, उनका विकास नहीं देखे, यहाँ पर कुछ नहीं भी किए। तो हम लोग मजबूर होकर के हम अपने ज्योति बिंद को टिकट मिला सपा से, हम लोग उनके साथ हो गए। अच्छा जी। तो मतलब वोट दी है लोग की ना दी है ये बतावा? खाली बस हल्ला कर? नहीं 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 नहीं, पूरे भरोसा था। गंगा माई को हाथ उठा के कहते हैं, गंगा की माई उत्तर तरफ बह रही हैं, उनके कसम क्रिया साथ उन सभी जनता जितना देख रहे हैं। अभी तो यहाँ पर जगह की कमी है न, जनता तो इतना जुट जाता कि आप मीडियम वाले देख करके हैरान हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और कहाँ से आए हैं? बड़ा गांव से आए हैं, जाद हैदर नाम है। बताइए। अभी डीएम साहब ने हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दिया यहाँ पे। अच्छा। अभी अध्यक्ष जी भाई रोड आ रहे हैं। अच्छा। अभी हम लोग जा रहे हैं बाबतपुर लेने के लिए। अच्छा। फिर डीएम साहब ने ये ठीक काम नहीं किया। अच्छा। नहीं तो यहाँ पे हेलीपैड बना था ना? डीएम साहब ने आदेश नहीं दिया ना उतरने का हेलीकॉप्टर, भाई रोड अभी आ रहे हैं बाबतपुर से वो। अच्छा। डीएम साहब ने यहाँ पे सबका टाइम खराब किया। अभी जनता बहुत आक्रोश में है, अब इसका जवाब हम लोग वोट से देंगे। इस चीज का जवाब हम लोग वोट से देंगे, ज्योति बिंद जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, मतलब हेलीकॉप्टर बन जाएगा? हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन तक नहीं मिला? नहीं मिला परमिशन समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को। अभी यहाँ से ज्योति बिंद जी इतिहास बना के जाएंगी। बस इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ से हम लोग अपने गुस्से को वोट में परिवर्तित करके ज्योति बिंद जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, बस ये जान लिए। लेकिन जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 ज्योति बिंद जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक इतिहास रहा है इस मझमा का, यहाँ समाजवादी पार्टी अभी तक जीती नहीं है, इस बार बदलने जा रहा है इतिहास। समाजवादी पार्टी इतिहास बनाने का कार्य करती है, कहीं भी आप देख लीजिए। इस बार इतिहास बना लोकसभा में, 35वीं समाजवादी पार्टी जीत के आई। कभी इससे पहले हुआ था आज तक? नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। इस बार भी यहाँ से ज्योति बिंद जी भारी मतों से जीतकर चुनाव विधायक बन जाएंगी। अच्छा। मझमा की जनता एकदम ठान चुकी है भैया,
मजमा की जनता एकदम ठान लिया इस बार हम लोग अपने गुस्से को वोट में परिवर्तित कर मजमा से भारी मतों से विजयी बनाकर ज्योति बिंद जी को विधायक बनाकर भेज देंगे। डर गए हैं भाजपा वाले, क्या बोले इससे आगे, ज्यादा बोलना अभी गुनाह हो जाएगा। बस हम लोगों गुस्से को अपने परिवर्तित वोट में करना है। बस गुस्से को शांत रखकर, उस गुस्से को वोट में परिवर्तित कर ज्योति बिंद जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। मजमा की जनता ने ठाना है ज्योति बिंद को विधायक बनाना है। ज्योति बिंद जिंदाबाद। चलिए चलिए, यहाँ पर कुछ लोग और हैं। हाँ साथी, कहाँ से आए हैं? बागना गांव से आए हैं। क्या नाम पड़ी? संजय कुमार बिंद। बिंद जी, आप गए थे कि नहीं वहाँ जहाँ बट रहा था? नहीं, हम नहीं गए थे वहाँ पर। अच्छा, अरे एक बार में गजट हुआ है साहब, बड़ा भगदड़ उगदड़ हो गया है। हम नहीं गए, तो भाई जी बताएंगे। अच्छा, ये बताओ वोट मिली कि ना? वोट यहाँ से पूरा मिलेगा ज्योति बिंद को। अच्छा, भारी मतों से विजय यहाँ बनाएंगे हम लोग। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रघुवीर यादव। अच्छा यादव जी, क्या लग रहा है इस बार जो है यहाँ पर ज्योति बिंद को टिकट मिला है? अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। हाँ सर, इधर आइए, इधर। अरे सर, उनके जो पिताजी है ना, यहाँ से 3 बार विधायक हो चुके हैं मजमा से। काम हम किए थे? काम हम तो किए हैं अच्छा, लेकिन इस बार और भी बढ़िया काम करेंगे, ज्योति बिंद जीतेंगे। क्लियर है सर। अच्छा, अभी तक तो नहीं कोई समाजवादी पार्टी, समाजवादी का यहाँ से कोई नहीं निकला था, लेकिन एक क्लियर है, इनका सीट निकलेगा। अच्छा, सीट निकलेगा। कटेंगे तो कटेंगे? नहीं नहीं, ये तो जनता की भड़काने के लिए बोलते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक भाई भाई हैं। अच्छा, हम लोग कटेंगे क्यों? हाँ, अपना करेंगे, खाएंगे। हाँ, और क्या? नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं हम लोग सट कर ज्योति बिंद को जिताएंगे। देख लीजिए, सट के ज्योति बिंद को जिताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, इस बार, इस बार, हाँ, इस बार इतिहास बदल जाएगा यहाँ पर। राम सभा मुलमा से आए हैं तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है कि, हाँ, इस बार तो लग रहा है कि ज्योति बिंद जीत जाएंगे। ज्योति बिंद जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि बिंद सभा जो है मझवा विधानसभा में 72,000 हैं। 72,000 में से मान लीजिए 2-4,000 कटेंगे। अच्छा, पूरी की पूरी एक साथ है, जिस तरफ हमारी निषाद पार्टी जाती है उस तरफ जो है कि जीत सबकी होती है। अच्छा, क्योंकि इसके पहले देखिए मायावती की तरफ गए, एक तरफा वोट माया तरफ दे दिए। हाँ, उन्होंने तीन बार हम लोगों ने बना करके विधायक बना करके बैठा दिया। हाँ, इसके बाद वो मौर्या जी आए, मौर्या जी को विधायक बना करके यहाँ भेज दिया गया। अच्छा, हमारे यहाँ अब इस बार जो है डॉक्टर ज्योति रुकी, इस बार जो है चल रहा है, इस बार डॉक्टर ज्योति बिंद के साथ पूरी बिरादरी, निषाद पार्टी की पूरी बिरादरी। अच्छा, एक तरफा वोट उनको मार रही है। और बिरादरी, अन्य बिरादरी भी, और जो अन्य बिरादर के लोग हैं वो भी दे रहे हैं। अच्छा, तो इससे लग रहा है कि इस बार इतिहास जो है मजमा बदल जाएगा, पलट जाएगी इस बार। कितना दम हो उतना लगा करके देख लें जोगी जी। जो है यहाँ विधानसभा, हमारे मजमा विधानसभा क्षेत्र से जिस तरफ बिंद जाती है उनकी विजय करती है। अच्छा, जब हमारा अधिकार नहीं है तो वोट नहीं है। तो ये है चाचा जी का कहना कि इस बार जो है इतिहास बदलने वाला इस मजमा विधान सभा में। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर जो जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो यहाँ पर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।